हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया है। और फिस्टुला कोई इजी डिजीज़ नहीं है, रियली एक टफ डिजीज़ है। फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद जितना रोल ऑपरेशन का है, अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट 40% रोल बाद की केयर का है, ड्रेसिंग्स का है। तो जब आपने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया तो आपका ये एक जर्नी है। अगर पूरी जर्नी में जैसे ऑपरेशन अच्छा हुआ, बाद में आपकी देखभाल अच्छी हुई, घर जाके आप जख्म का भी ध्यान अच्छे से रखते हैं और 10-10 दिन पे चेक कराते रहते, तो आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाएगी। सबसे अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, डाइट है। अब जैसे आपने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया, घर जाके आपको सब कुछ खाना है, कोई परहेज नहीं है किसी किस्म का। जो घर में आपके बनता है, दाल सब्जी जो भी बनता है, आपने सब कुछ खाना है। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल को अवॉइड करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, पर अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो सैलड खूब सारा साथ में खाना है और अल्कोहल को लिमिटेड क्वांटिटी में लेना। अब इसमें ना इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको लंच और डिनर में ज़रूर सलाद को ऐड कर देना, फाइबर हो जाती है ना, तो उससे कब्ज नहीं रहती। दूसरा, रात को जब आपने सोना है तब गर्म दूध पी के सोइए, उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। थर्ड, कि सुबह उठ के 2-3 ग्लास कोसे पानी के पीने चाहिए, इससे कॉन्स्टिपेशन नेचुरल वे में ठीक हो जाती है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो इसमें है, टॉयलेट ट्रेनिंग। अब जैसे फिस्टुला का आपने ऑपरेशन कराया है तो आपको टॉयलेट तभी जाना है जब आपको पूरा प्रेशर है, बिना प्रेशर के कभी टॉयलेट नहीं जाना। और टॉयलेट में न्यूज़पेपर, मैगजीन या फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड, कि टॉयलेट का जो मैक्सिमम टाइम है बैठने का वो 5 मिनट है, तो 5 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में स्पेंड ना करें। अब फिस्टुला के केस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है हाइजीन, कि हम मैंने घर जाके फिस्टुला केस में ऐसा क्या करा। वो बड़ा इजी है। अगर किसी के हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो उसकी वाइफ को सीखना चाहिए, और वाइफ को है तो हस्बैंड को, ताकि इसमें हमारा पर्पज़ घर जाके ये नहीं है कि हमने कोई स्पेसिफिक कुछ करना है। नो, हमारा सिर्फ इतना काम है कि घर में जो हमारा जख्म है, जब डेली हमने टॉयलेट वगैरह जाना है तो उसके बाद उसको ड्राई करके क्लीन कर देना, क्योंकि साफ होना तो बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है। और फिस्टुला के केस में तो ड्रेसिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग करोगे, इन टाइम उसको क्लीन करते रहोगे, तो बड़ी जल्दी भर जाएगा। आइडियली शुरू में पहले 15 दिन आपको दिन में 2 बार ड्रेसिंग करनी चाहिए, और 15 दिन के बाद दिन में 1 बार ड्रेसिंग करनी चाहिए। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, घर जाके आपको डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक फिस्टुला के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वॉक करने से क्या होता है, जो आपके चैनल्स हैं जहाँ से फिस्टुला को ट्रीट किया गया, उसमें अगर कोई भी कलेक्शन होती है, पस वगैरह होती है, तो वो ड्रेन होती रहती है, और ड्रेन होकर वो ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो डेली 3 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम को सैर करनी चाहिए। और इसमें कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इसमें स्क्वेटिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी पैरों के बाहर बैठ के आपको वजन नहीं उठाना चाहिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहोगे रेगुलरली, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और आपको फिस्टुला कभी दोबारा होगा भी नहीं, क्योंकि एक बार फिस्टुला के केस में हील होके फाइब्रोसिस हो जाता है, तो नॉर्मली फिस्टुला कभी दोबारा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।